आदाब नमस्कार सत श्रीकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफवार न्यूज़। प्यारे बस, इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम घमासान मचा हुआ है चारों तरफ। पर से ज़्यादा तो रैलियाँ निकल रही हैं, तमाम प्रत्याशी सभासदों की जो उम्मीदवार हैं, चेयरमैन जो उम्मीदवार हैं, पार्टी सिंबल से लड़ रहे हैं, कहीं पर जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं। और इस वक्त हम आ पहुँचे ऊपरकोट इमामबाड़े पर, खड़े हुए हैं। तमाम यहाँ पर नुक्कड़ सभाएँ चल रही हैं और ज़ोर शोर से, और यहाँ पर रैली चल रही है, यहाँ पर प्रत्याशी हैं। और अभी आपसे रूबरू कराते, देखें उमेर भाई प्रत्याशी हैं यहाँ पर, ये देखें आप। तो इमामबाड़े में जोश देखें, ये जोश देखें उमेर, प्यारे बस। बुलंदशहर नगर पालिका प्रत्याशी सभासद के लिए वार्ड नंबर 36 सीट से पार्टी सिंबल लोकदल से चुनाव चिन्ह इनका नल है और उम्मीदवार सामने खड़े हुए हैं। तमाम जन समर्थकों के साथ में मोहम्मद उमेर भाई साहब, स्वागत है, अभिनंदन है, खुशामदीद आप सभी का। बड़े जोश के साथ में तमाम, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, जन समर्थकों का जो जोश नजर आ रहा है, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, उमेर भाई स्वागत। सबसे पहले बेखौफ न्यूज़ जाहिद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो लगभग 11:30 बज रहे हो मेरे इंटरव्यू लेने आए। आप ये यकीन तौर पर था, इतना बड़ा जनसैलाब मेरे साथ है, यकीन तौर पर बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लोग मेरा जहाँ मैं जा रहा हूँ इस्तकबाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, इस वार्ड के अंदर जो नगर पालिका के अंदर जो मेरी वाइफ है, मैं नहीं हूँ नगर पालिका, मेरी एक वाइफ एक ऐसी प्रत्याशी पत्नी है, प्रत्याशी जो है वो एक मेरी पत्नी है जो एजुकेटेड है, जी बाकी पाँचों बिना एजुकेटेड है। हकीकत के अंदर नगर पालिका में जो बैठेंगे मेरी माँ है, जो भी बैठेगा, मेरी वाइफ एक ऐसी है। तो मैं लोगों से ये बताने आया था, हर जगह मुझे बहुत समर्थन मिला इस बात का। जो बड़े बूढ़े हैं, जो नौजवान तबके हैं, खासतौर से महिलाएं, सर समाज की तमाम, उनका आशीर्वाद आपके साथ है उमेर भाई। और कहीं ना कहीं जो आपकी पत्नी जो प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा जता रही है जनता कि एक पढ़ी लिखी परिवार से कहीं ना कहीं उनकी बात समझ सकती हैं, सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा सकती हैं और कहीं ना कहीं अपने 36 वार्ड में बहुत बढ़िया तरीके से खिदमत को अंजाम दे सकती हैं और विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। यकीनी तौर पर आप देख रहे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं, आप जनता का जोश देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह हुई हो अभी। और इंशाल्लाह तारा मैं ऐसे ही दिन निकाल दूँ, कभी रात नहीं होगी इस वार्ड के अंदर इंशाल्लाह ताला। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ और मैं काफ़ी अरसे से ये काम करता आ रहा हूँ। मुझे अभी अंसारी मोहल्ले में मैंने एक तकरीर की थी, वहाँ पर कम से कम 3 साल से लोग परेशान हैं बिजली के लिए, काफ़ी परेशान है, छोटे छोटे घर होते हैं, बहुत माँ बहन है हमारी, बहुत दिक्कत है। इंशाल्लाह मुझे बहुत काम कराने हैं वार्ड के अंदर, बहुत पीछे जा चुका है, कम से कम 10-15-20 साल ये वार्ड मेरा पीछे जा चुका है और वार्डों के मुकाबले, और वार्डों में बहुत काम हुए, मेरे वार्ड के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। मुझे लोगों ने खड़ा किया, मैं खुद खड़ा नहीं हुआ, लोगों की मोहब्बत है, जो जनसैलाब देखिए चारों तरफ आप देखिए, मोहब्बत है लोगों की मेरे लिए, जनता की आवाज पे आपने हामी भरी है। जी जी यकीन तौर पर जनता की आवाज पर, जनता मेरे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मुझे समर्थन मिल रहा है, जैसा मुझे समर्थन मिल रहा है यकीनी तौर पर मैं इलेक्शन तो मैं जीत ही गया। हकीकत के अंदर मैं हकीकत बता रहा, हर जगह बड़ी बूढ़ियों का, बुजुर्गों का, इंशाल्लाह हर जगह मुझे इतना इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं फतेह करके नगर पालिका के अंदर जाऊंगा और 36 वार्ड को बुलंदी पर लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह जो 15-20 साल पीछे चल रहा है बहुत आगे पहुंचा दूंगा इन 5 साल के अंदर। देखिये प्यारे बस, कहीं ना कहीं हमें भी अंदाजा लग रहा है, इससे पहले भी हमने कवरेज करने का मौका मिला ऊपरकोट, रात के इस वक्त 11:30 बज चुके हैं और तमाम जोश देखें, तमाम समर्थकों का और तमाम नौजवान हैं, कहीं ना कहीं इनके चेहरों पे पसीने की ये बूंदें ये बता रही हैं कि जिस कुर्बानी और जिस त्याग तपस्या से जो साथ है उमेर भाई 36 नंबर वार्ड के लिए, ये सिर्फ उमेर भाई के साथ नहीं, अपने मोहल्ले अपने वार्ड में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं उमेर भाई की पत्नी के द्वारा, उमेर भाई के साथ तो तन मन धन से खड़े हुए हैं। और ये विशेष बनाता हूँ उमेर भाई को,
बुलंदशहर सिटी के अंदर नगर पालिका के अंतर्गत जो चुनाव चल रहे हैं, निकाय चुनाव, ये उम्मीदवार हैं, पत्नी इनकी शादी है, पत्नी प्रत्याशी हैं, और कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज से तमाम जरा नौजवानों को चेहरे दिखा दें आप, जो जोश और अपने आप पे प्यारे वस्त हम आशा और उम्मीद करेंगे जिस तरीके से तमाम जन समर्थन मिल रहा है, इसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ में जो वादे कर रहे हैं वो जमीन पर बिल्कुल उमेर भाई नई बुलंदियों के साथ में उतार के रखेंगे। 36 नंबर वार्ड में जो कमियां रही हैं उनको पूर्ण तरीके से दोबारा पुनः एक नए मुकाम तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं उमेर भाई, और कहीं ना सारे काम करेंगे। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? जी सारे काम करेंगे। हमें आपका मोहम्मद परवेज, परवेज भाई, वार्ड नंबर 36 में सारे काम करेंगे, जो परेशानी है तो हमारे भाई से कहें। जी जी, इंशाल्लाह। ओके थैंक यू। तो प्यारे वस्त और आगे देखेंगे जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, इस वक्त हम खुद देख रहे हैं, इससे पहले भी तो लग यही रहा है, ऊपर को 36 नंबर वार्ड की जनता ने उम्मीदवार के तौर पे कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे दिया है, और कहीं ना कहीं जीत की खुशबू नजर आ रही है तमाम इनके पसीनों से नौजवानों किसका जो भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो हमें भी ऐसे ही लग रहा है कि जनता मूड बना चुके हैं, उमेर भाई को नगर पालिका भेजने का कहीं ना कहीं इनकी पत्नी को मूड बना चुकी है, और कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास जता चुकी है। प्यारे बस ये था आज का अपडेट, आगे कोशिश करेंगे और नौजवानों से आपके बीच में रूबरू करा सकें। उमेर भाई आखिरी पैगाम कुछ देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कल का दिन आखिरी दिन है, रैली वैली सब चुनाव रुक जाएगा। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, 11 मैं पैगाम ये है सुकून के साथ सब 11 तारीख को सुबह उठें, सबसे पहले बिना नाश्ता किए, बिना उसके नल के निशान पर मोहल्ला घर पर आकर नाश्ता करें।